हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह हाजिर हूँ आप सभी के लिए अपना पहला फेसबुक वीडियो लेकर, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही दमदार है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उद्योग आधार के बारे में। उद्योग आधार क्या होता है, क्या इसके यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आता है, दोस्तों सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं LED को ऑन कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूं LED की मदद से। तो लीजिए, मैं अपनी LED ऑन कर देता हूं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। ये जो रेड सर्कल में बेल आइकन का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा उद्योग आधार के बारे में। आखिर ये उद्योग आधार होता क्या है? दोस्तों, उद्योग आधार से आपको समझ में आ रहा होगा, उद्योग आधार का मतलब होता है, उद्योग का मतलब होता है बिजनेस, और आधार का मतलब होता है UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों, बिजनेस का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको उद्योग आधार बोला जाता है। दोस्तों, उद्योग आधार जो है, मैं पूरी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा उद्योग आधार की। जैसा कि आपको पता ही होगा, आधार कार्ड के लॉन्च होने से पहले जब हम किसी भी काम के लिए जाते थे तो हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते थे, जैसे कि हमारा एड्रेस प्रूफ हो गया, ID प्रूफ हो गया, और हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमें लेकर जानी पड़ती थी दोस्तों। लेकिन जब से आधार कार्ड लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा कि हम सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो हमें सिम मिल जाता है, हम आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो हमारा पैन कार्ड बन जाता है। तो दोस्तों, आधार कार्ड जो है सारी चीज़ों का जो एक मिक्सअप है उसको आधार कार्ड बोला जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का। ऐसे ही दोस्तों हमारा उद्योग आधार है। हम कहीं भी कोई टेंडर लेने जाते हैं, कुछ लोन लेने जाते हैं, या कहीं भी हम किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो हमें अपनी जो बिजनेस होता है उसकी पूरी डिटेल्स लेकर जानी होती है। तो दोस्तों, इन सारी डिटेल्स को एक जगह मिक्स करके बनाया है उद्योग आधार। तो दोस्तों, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी कंपनी से, यानी अपने छोटा जो स्मॉल बिजनेस है उससे जुड़ी हुई कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उद्योग आधार दिखाकर ही बता सकते हैं कि आपका बिजनेस है और आप कितने एम्प्लॉय के साथ वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें उद्योग आधार में शामिल होती हैं दोस्तों। तो ये उद्योग आधार की डेफिनेशन होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उद्योग आधार किस काम आता है। दोस्तों, तो उद्योग आधार के बारे में आपको पता होगा कि लोन लेने के लिए उद्योग आधार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब आप कहीं लोन लेने गए होंगे तो आपसे उद्योग आधार मांगा होगा, तभी आपने YouTube पर सर्च किया होगा और मेरा वीडियो निकल कर आया होगा। तो दोस्तों, उद्योग आधार के जो यूज़ होते हैं, सबसे पहला यूज़ जो लोग लगभग 70-80% यूज़ होता है इसका, लोन लेने के लिए। दोस्तों, जो MSME के थ्रू जो लोन मिल रहे हैं दोस्तों, उसमें उद्योग आधार होना बहुत ही कंपलसरी है। MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दोस्तों, MSME के थ्रू जो लोन मिल रहे हैं उसमें उद्योग आधार का होना बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है। बिना उद्योग आधार के छोटा लोन नहीं मिल सकता दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के बाद में जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, उन पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा है दोस्तों। लेकिन बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने आप को पुशअप कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है दोस्तों। उसी हालात को सुधारने के लिए, जो छोटे बिजनेस हैं, जो स्मॉल बिजनेस हैं, उनको ग्रो अप करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, MSME के थ्रू जो लोन दे रहे हैं उसमें बहुत ही सब कुछ ईजी कर दिया गया है। अगर आपके पास उद्योग आधार है तो आपको किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उद्योग आधार के थ्रू जो जितना भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन होता है वो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए उद्योग आधार बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, उद्योग आधार को लेकर अगर आपको कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना है तो अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं तो आप सिर्फ उद्योग आधार दिखाकर आप अपने जो ट्रिप है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो टेंडर्स होते हैं, अगर कोई छोटा टेंडर आपको लेना है तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उद्योग आधार ले जाकर ही अपना जो टेंडर है उसको उसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो उद्योग आधार बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं। अगर क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं, GST ले लेते हैं, और फिर उनको उद्योग आधार की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका खुद फर्म रजिस्टर हो जाती है। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो फर्म रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, तो उनको जो है उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो उद्योग आधार के यूज़ हैं, और क्या है उद्योग आधार वो मैंने आपको ठीक से बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में
आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा, आज शाम को ही मेरा एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो 10 मिनट के अंदर आप अपने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपका उद्योग आधार कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज शाम में वो वीडियो अपलोड होगा, ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि शाम वाला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।